सो स्पाइनल कॉर्ड हमने कल ट्रेन कर लिया था, स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये इफ दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट कॉन्टिन्यूज विद द दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा यू नो देयर इज अ कैनाल कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल which is continuous in the spinal cord and is called as central canal. This is central canal filled with CSF, that is cerebrospinal fluid. Spinal cord covered by, जैसे brain था, by three meninges and further protected by vertebral column. If we cut a section of the spinal cord, how it will appear? It appears like this. This is, अगर हम एक सेक्शन देखेंगे, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? दिस इज सेंट्रल कैनाल. उसके बाद ये एच शेप्ड, अगर आप देखोगे, दिस एच शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्मड ऑफ ग्रे मैटर. दिस इज होल ग्रे मैटर. और इसके बाहर जो है, दिस इज ऑल व्हाइट मैटर. ये जो पोर्शन है, डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, दिस इज डोर्सल साइड और पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर. दिस इज वेंट्रल हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर. व्हाइट मैटर के पार्ट को बोल देते हैं फ्यूनिकुलाई. दिस इज dorsal or posterior funiculi. This one is lateral funiculi and this is anterior funiculi.
यहां से बेटा डोर्सल हॉर्न से स्पाइनल नर्व अंदर आती है, देन इट साइनैप्स विद द इंटर न्यूरॉन्स या एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एंड दिस इज मोटर नर्व फाइबर. दिस इज यू नो सेंसरी नर्व फाइबर. दिस वन इज एसोसिएशन न्यूरॉन. ये सेंसरी नर्व फाइबर अंदर आया, इसने मैसेज दिया एसोसिएशन न्यूरॉन को, जिसने इस मैसेज को इंटरप्रेट किया और या इंपल्स को इंटरप्रेट करके मैसेज में कन्वर्ट किया, और ये मैसेज मोटर नर्व फाइबर से बाहर आ, राइट. तो जितने भी, अब बात आती है कि भाई ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या कंट्रोल करती है. ब्रेन जो है बेटा वो हमारे शोल्डर से ऊपर वाला जो मैक्सिमम रीजन है वो कंट्रोल कर रहा, उसकी सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है. जो स्पाइनल कॉर्ड है, मैक्सिमम जो स्पाइनल नर्व्स है वो क्या कंट्रोल कर रही है, शोल्डर से नीचे मतलब हमारी बैक की, हमारी यू नो हमारी आर्म्स, हमारी लेग्स, इनके जो वॉलंटरी मसल्स है उनको कंट्रोल कर रही है, राइट. ये याद रखना, ठीक है जी. बट कुछ या नॉट ओनली वॉलंटरी बट इनवॉलंटरी आल्सो, बट यू कैन से दैट ब्रेन कंट्रोल्स शोल्डर से ऊपर वाला पार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल शोल्डर से नीचे वाले पार्ट, ओके, ठीक है जी. तो इस तरह से स्पाइनल नर्व्स आ रहे, राइट. सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. अब देन देयर इज सेकेंड आ जाता है बेटा, ज्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. इट हैज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. Which control voluntary activities of our body. There are present 12 pairs of cranial nerves and there are 31 pairs of spinal nerves. Cranial means जो brain से connected है, spinal nerves means जो spinal cord से connected, right? अब तीसरा आ जाता है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. या विसरल नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक या विसरल नर्वस सिस्टम हैज ब्रांचेस ऑफ सम cranial and spinal nerves. Nerves यही है, इन्हीं की कुछ branches जो है spinal nerves, which regulates involuntary organs. Involuntary muscles and glands. ग्लैंड तो कोई भी वॉलंटरी नहीं है,
तो सभी ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? सभी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी मसल्स सच एज मसल्स ऑफ अवर स्टमक, मसल्स ऑफ अवर लंग्स, मसल्स ऑफ अवर हार्ट, मसल्स ऑफ अवर किडनी, ये सब जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, सो दीज आर द यू नो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इज इट राइट? सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर सिंपथेटिक एक चीज को बढ़ाता है तो पैरासिंपथेटिक उस चीज को कम कर देता है। राइट, पहले ये करना। राइट, तो पहले क्या करना है आपने? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर उसके बाद यू नो ये सारा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मैं लिख रही हूँ माइलॉन, माइलॉन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड का ही दूसरा नाम माइलॉन है। राइट, तो दिस इज बना लो। चलिए जी, अब ना मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड का ये यहां से मैं जैसे दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इज लॉन्गर देन द स्पाइनल कॉर्ड। राइट, सो स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच्ड विद अ वर्टिब्रल कॉलम बाय अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर phylum terminal. This is formed of collagen. Collagen is a protein, non-nervous tissue. Right? Then there arise, यहां पे आपको पता है vertebral columns में intervertebral foramen है, दो वर्टिब्रा के बीच में यू नो देयर इज ए स्पेस, ये अपर्चर बन जाता है। नाउ द स्पाइनल नर्व इसमें से अंदर आ रही है या बाहर जा रही है? ठीक है, बट नीचे से यहां से यू कैन सी ये जो लोअर स्पाइनल नर्व्स है दे ओरिजिनेट क्लोज टू ईच अदर, पहले समझ लेना फिर हम लिखते, और वो नीचे की तरफ आकर फिर वो फोरेमन से बाहर निकलती है। It forms a horsetail-like structure.
राइट, यहाँ पे लिखो, राइट डाउन, द स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्टर देन द वर्टिकल कॉलम. सेकेंड पॉइंट लिखिए, स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द वर्टिकल कॉलम. स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द वर्टिकल कॉलम बाय ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बाय ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फाइलम टर्मिनेट. फाइलम टर्मिनेट. नेक्स्ट पॉइंट है, द लोअर स्पाइनल नर्व्स, द लोअर स्पाइनल नर्व्स arise close to each other, arise close to each other, comma, moves downward and comes out through intervertebral foramina, forming a horsetail-like structure, forming a horsetail-like structure called as horsetail, घोड़े की पूंछ. मैम through क्या था? Through intervertebral foramina. ये आप कह सकते हो this is vertebral column. और ये जो है इंटर वर्टिकल फॉर्मिंग ए हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉडा इक्वाइना. कॉडा मतलब टेल, इक्वाइना मीन्स horse, equus, equus मतलब है horse, तो horse tail like structure called as corda, right? तो ये आपने बनाना है. उसके बाद then हमने बताया कि sympathetic and parasympathetic nervous system are antagonistic each other. तो यहाँ पे लिखो functions of sympathetic and parasympathetic nervous system. आप पूरा लिखना. सबसे पहले फंक्शन आ जाता है हार्ट फंक्शंस. यहां पे है सिंपथेटिक, यहाँ पे है पैरासिंपथेटिक. जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, हार्ट फंक्शन मतलब रेट ऑफ हार्ट बीट, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस. पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस रेट ऑफ हार्ट. सेकेंड है ब्लड प्रेशर. अगर रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. थर्ड इसी से ही कनेक्टेड है पल्स रेट. इंक्रीजेस और ये डिक्रीजेस. इसके ऑपोजिट आ जाता है डाइजेस्टिव फंक्शन.
पेरिस्टाल्सिस, ये इसके ऑपोजिट है, सिंपैथेटिक डिफरेंसेस, पैरासिंपैथेटिक इंक्रीजेस, सेक्रेशंस ऑफ सलाइवरी एंड अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस द रेट ऑफ डाइजेशन या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, देयर इज पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स द डाइजेशन. इसके ऑपोजिट सलाइवरी से ऑपोजिट आ जाता है स्वेट ग्लैंड्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ स्वेट, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इनहिबिट्स सेक्रेशन ऑफ स्वेट. ठीक है, लिखो जरा. नेक्स्ट आ जाइए किडनी फंक्शंस. किडनी फंक्शंस पहले आ जाइए यूरिनरी ब्लैडर. फर्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट रिलैक्सेस यूरिनरी ब्लैडर एंड दस ब्लैडर फिलिंग नर्व्स. रिलैक्स करेगा तो ब्लैडर में यूरिन भरेगा, जबकि इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स यूरिनरी ब्लैडर एंड दस ब्लैडर एम्प्टिंग नर्व्स. These are bladder emptying nerves. उसके बाद है bronchi. लिख लो जरा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है. Next is bronchi. Sympathetic nervous system relaxes bronchi. रिलैक्सेस या नॉट रिलैक्सेस बट आपको डायलेट्स ब्रोंकस. डायलेट्स ब्रोंकाई दस मेकिंग ब्रीदिंग इजियर. दस मेकिंग ब्रीदिंग इजियर, हवा आराम से जाएगी. पैरासिंपैथेटिक constrict bronchi. कफिंग हो जाएगी. पैरासिंपैथेटिक ज्यादा एक्टिव होगा तो हमें खांसी बहुत आएगी. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम dilates bronchi. पैरासिंपैथेटिक constrict bronchi. उसके बाद आयरिस. आयरिस हम करेंगे, आई में स्ट्रक्चर आ जाता है. आयरिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट्स आयरिस. जब आई का करेंगे तो पता चलेगा डायलेट्स आयरिस, पैरासिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रक्ट आयरिस. So these are the, you know, sympathetic and parasympathetic nervous system. ये बना लिया था कि बनाना है अभी. जो iris वाला था ना वहां पे लिखना dilates pupil.
सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम dilates pupil, जो हमारी आई में अपर्चर है जहां से लाइट जाती है उसको कहते हैं pupil. सो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम dilates pupil एंड iris के अंदर लिखना है, मतलब 9 point टॉपिक लिख लेना iris, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम dilates pupil, मैं बताऊंगी कैसे, एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट pupil. ठीक है, ये करें. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिटन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज क्विक रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल स्टिमुलाई. जरूरी नहीं है हार्मफुल स्टिमुलाई, बट हार्मफुल स्टिमुलाई और सम अदर स्टिमुलाई which do not require integration. Integration means interpretation. इसीलिए ये quick है. It prevents unnecessary burden on the CNS. It protects the organism from harmful stimuli. There is a reflex arc. Reflex arc में क्या है? Receptor. This is sensory nerve fiber. यहां पे आ जाएगा सेंसरी नर्व फाइबर. किसके पास जा रहा है? पार्ट ऑफ सीएनएस, मे बी ब्रेन. अभी तक बच्चों को पता था कि ये जो है सिर्फ ब्रेन सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं. नहीं, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है या ब्रेन भी हो सकता है. क्योंकि लेट अस से हमारी आंख में जो है कोई धूल कण चला गया तो एकदम हमारी आंख ब्लिंक करती है, पानी आना शुरू हो जाता है. This is a reflex action. सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है? और उस पानी के साथ वो धूल या वो कोई इंसेक्ट है वो बाहर आ जाए, राइट? तो इसको कौन ब्लिंकिंग एंड यू नो टीयर ग्लैंड्स, इनको किसने एक्टिवेट किया? ब्रेन ने एक्टिवेट किया. तो इट कैन बी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सो पार्ट ऑफ सीएनएस. देन इसमें क्या है? एसोसिएशन न्यूरॉन्स फॉर कन्वर्टिंग. सिंपल, इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, फॉर कन्वर्टिंग सेंसरी टू मोटर मैसेज. देन मोटर नर्व फाइबर, देन इफेक्टर्स, राइट? So this is called as the reflex arc. Then types of reflexes. एक तो होती है यहां पे दो टाइप. एक है inborn reflexes.
और एक है acquired reflexes such as typing, swimming, dancing. ये सब क्या है? acquired reflexes. inborn reflexes कि हमने जो है किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम हाथ पीछे किया, that is inborn reflexes. आपको अगर थोड़ा सा पता है कि टीचर थप्पड़ दिखाए छोटे बच्चों को, आपको तो पता नहीं होगा जिन बच्चों को, कि नहीं जैसे ही लगाने लगे एकदम हम परे करते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं. सो दैट आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस. एकदम स्ट्रॉन्ग लाइट आए, आप सोए हुए हो और आपकी मम्मा ने पापा ने लाइट जला दी, तो एकदम आप आंखें ऐसे बंद करते हो, दैट इज इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस. आप भी करते हो, एक छोटा सा बच्चा है 1 महीने का 2 महीने का, वो भी ऐसे ही जो है, दैट इज वो इसको रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है जी. और उसके बाद आ जाती है cranial reflexes and spinal reflexes. Cranial reflexes, for example, blinking of the eye. Blinking of the eye when sudden light comes, when sudden strong light comes. Spinal reflexes, that is moving of hand away, moving of hand away quickly when we touch the hot object, when we touch the hot object. These are spinal reflexes and this is reflex action. Is it okay? Theek hai, karo.